जो बच्चे अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये एक डाउट आ रहा है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं अगले साल और हम जेई के लिए अपीयर होना चाहते हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अगले साल में जो मार्च का एग्ज़ाम होगा वो देंगे, तो क्या हम जो जैन में जेई मेन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जनवरी में एक एग्ज़ाम होगा जेई मेन का सेशन वन, और सेशन टू जो होगा वो आपका अप्रैल में होगा, तो डाउट ये है कि क्या हम इम्प्रूवमेंट के साथ जेई भी दे सकते हैं। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल, अगर आप जेई देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन थिंग ये बच्चों को डाउट है कि उसमें अपीयरिंग डालने के पास डालने हैं, तो देखो वैसे तो दोनों वैलिड हैं, अगर आप अपीयरिंग डाल रहे हो तब भी वैलिड है क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अपीयरिंग भी हो गए, और अगर आप पास डाल दो तो आप पहले तो पास हो ही चुके हो, तो दोनों ही सही होता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपीयरिंग डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि अपीयरिंग से क्या होता है कि उनको मार्क्स नहीं देने पड़ते, तो आप अपीयरिंग डाल सकते हो, ज़्यादा आपके लिए आसान क्या कौन सा रहेगा अपीयरिंग, क्योंकि उसमें शायद मार्क्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई वैसे मार्क्स की चिंता नहीं है तो आप पास भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है, आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। काउंसलिंग के समय जब आपकी काउंसलिंग होगी, जो सा काउंसलिंग होगी, तो उसमें आपको अपनी दोनों मार्कशीट को सबमिट करना होता है, आपने फिल क्या किया है पास अपीयरिंग, उससे कुछ खास नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सही रहेंगे। तो आप जेई मेन एग्ज़ाम सेशन वन और सेशन टू दोनों दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के साथ साथ। जो बच्चे अगले साल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे वो भी जेई का एग्ज़ाम जन वाला और दूसरा जो भी होगा सेशन का अप्रैल में वो भी दे सकते हैं, और जो रिपीट कर रहे हैं यानी कि जो अगले साल एसेंशियल रिपीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे भी जेई मेन का जनवरी और अप्रैल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि सारे बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसी आई होप आपको चीज़ समझ आ गई हो, कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आगे कोई नई अपडेट आती है तो उसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। टेलीग्राम पर नहीं तो ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने का आपको डाउनलोड करना कॉल फॉर ऐप, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ऐप पे जाइए, आईडी सर्च कीजिए, वहाँ से आप कॉल करके मेरा डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।